और अभी इस मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं और आज लोग हम लोग ट्रैकिंग पे निकले हैं पैदल। और आज हमारा रूट रहेगा यहाँ से, हम एकेडमी से निकलेंगे कंपनी गार्डन से हम होते हुए लिंडल एस्टेट जाएंगे, वहाँ से हम रैबिट फॉर्म से हम क्लाउड एंड होते हुए वापस एकेडमी को आएंगे। तो ये आज हमारा रूट रहेगा, ये करीब आपका 4-5 घंटे इसमें लगेगा और टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर करीब हो जाएगी। ये तो देखिए मॉर्निंग में अब एकेडमी देखिए कालंदी लॉन। कंपनी गार्डन का पीछे का एरिया है और ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। आप इस रास्ते पे अगर हल्का छोटा मोटा अगर कोई ट्रैक करना चाहता है तो इसका भी वो राउंड लगा सकता है कंपनी गार्डन के बगल होते हुए, और फिर ऊपर मेन रोड में आप जाएंगे और फिर लाइब्रेरी होते हुए आप भी इस रास्ते से भी आप कर सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत। जल्दी
रास्ते से डायरेक्ट पंप हाउस होते हुए, और आपका क्या नाम है उसका मंदिर का, अपना जो तिब्बती मंदिर होते हुए, और आप एकेडमी, हाँ एकेडमी से लाइब्रेरी की ओर जा सकते हैं। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। या फिर आप कंपनी गार्डन से होते हुए आएँ और यहाँ से आप मुड़ जाएँ नीचे की ओर, तो ये रास्ता आपको जो है डायरेक्ट तिब्बती मंदिर होते हुए आपको मसूरी पहुँचा देगी। आप इसको करेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा इस रास्ते में। और पर हम इस रास्ते में आज जा नहीं रहे हैं, किसी और दिन हम इस रास्ते में आपको दिखाएंगे। अब एक घंटा हो गया पूरा, और हमने अभी एक घंटा हम चल गए हैं 4.19 किलोमीटर। क्या रास्ता बना दे भाई, और चौड़ी दीवार देख रहा हूँ, दीवार ही दीवार है पत्थरों की, ये देख ले सारी की सारी है, दाल की दीवार है। इसको तोड़ने में 10 आदमी चाहिए, 10 आदमी है बड़ा, वो धमाके से तोड़ दे तो अलग बात, वो पूरा ही टूटेगा फिर ना धमाके से। तो ऊपर मिल जाए, वहाँ पर ऊपर मिलेगा, क्लाउड एंड पे मिलेगा, हम पूरा सफर कर लेंगे ना तब। हाँ हम देखिए, अब हमें जाना करना है वहाँ पे, ये लेके जा रहे हैं मैं बिल्कुल क्लाउड एंड पे। हाँ क्लाउड एंड ही तो हाथी पांव इधर आ, अब मेन रोड में आ जाएंगे ना, इधर नहीं आएंगे ना ना, क्या करेंगे, क्यों कर रहा हूं उसे, वो आएगा काटने को भी नहीं। चलो जान निकली पड़ी है ये तो वहां निकलेगा ना नीचे, जहाँ पे पेड़ लगवाए थे मैंने। Thank you.
कौन सर बोले? अच्छा ये तो पीछे है यार, क्या उनका देखे थे क्या योगा करते हुए वीडियो जो डाला हमने? सकते हैं इस घनी जंगलों के बीच में भी मैं ऑनलाइन YouTube से गाना सुन रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि क्या BSNL की नेटवर्किंग क्या है और हम इसे छोड़ रखते हैं आपके लिए। और ये देखिए क्या फायदा है इसके, आप देख सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ पर ये लाइव है इस घनी जंगलों के बीच। ओल्ड इज गोल्ड, ये अभी हम लोग इस रास्ते से नीचे से ऊपर को आए हैं। और अगर आपको बिनोद में जाना है तो आप इस गेट से जा सकते हैं, यहाँ से आप सीधे आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा और आप सीधा बिनोद हिल पहुँचेंगे, ज्वाला देवी मंदिर भी मिलेगा आपको। Thank you.
वो देखिए वो है विनोग हिल का टॉप और वो ज्वाला देवी मंदिर है। तो यही ट्रैक रूट है ज्वाला देवी मंदिर जाने के लिए। और मैं आपको आपने लास्ट टाइम जो लास्ट हमारा ब्लॉग था भद्राज मंदिर टेम्पल का उसमें मैंने आपको बताया था कि ये रास्ता विनोग हिल के लिए है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे देखिए, भद्राज टेम्पल का आपको ब्लॉग मिलेगा जो बहुत ही शानदार बना हुआ है।